नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलने के विषय में। जिसको यह तकलीफ़ होती है वह इससे बहुत परेशान रहता है, क्योंकि पित्ती उछलने का कोई वक्त नहीं होता। पता नहीं आपको कहाँ जाना है, घर में क्या फंक्शन है, कोई मांगलिक कार्यक्रम है, कोई खुशी का कार्यक्रम है, कोई दुख का कार्यक्रम है, या किसी मीटिंग में आपको जाना है, किसी इंटरव्यू में जाना है और आपके पित्ती उछल आई। इससे बहुत परेशान रहते हैं लोग और दो दो तीन तीन दिन उनको घर में ही रहना पड़ता है। आज हम बताएंगे आपको अर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलने से रोकने या उसको ठीक करने के विषय की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। सबसे पहले साथियों, जान लेते हैं अर्टिकेरिया होता क्या है। साथियों, अर्टिकेरिया एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है बॉडी का, जो फॉरेन पार्टिकल्स या एलर्जेंस के विरुद्ध आपके शरीर की तरफ से होता है। यह इसमें होता यह है कि आपके स्किन में लाल लाल बड़े बड़े बल्जेज आ जाते हैं, वह रेड होते हैं, जलन करते हैं, जैसे किसी बरैया ने काट लिया हो, उस तरह के आपके बल्जेज आ जाते हैं। और ये कहीं भी आ सकते हैं पूरे शरीर में, बहुत लोगों के ये आँखों पे, होंठों पे आ जाते हैं और वह इससे बहुत परेशान रहते हैं। फिर साथियों, इसके सिम्टम्स की बात आती है। इसके सिम्टम्स साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कहीं भी शरीर में रेड कलर के उभरे हुए बल्जेज आ जाना, जैसे बरैया ने काटा, उसमें जलन होना, उसमें खुजली होना, और जब आप खुजलाएं तो उनका और बढ़ना, अगर यह आपके आ रहे हैं तो यह जो है अर्टिकेरिया का एक मैनिफेस्टेशन है। फिर आते हैं साथियों उसके कारणों पे, कॉजेस पे। अर्टिकेरिया होता ही क्यों है? अर्टिकेरिया साथियों होता है जब आपके बॉडी फॉरेन एलर्जेंस के विरुद्ध रिएक्ट करता है और उनको वह फॉरेन एलर्जेंस मान के उस पर इम्यून सिस्टम अटैक करता है। वहाँ पर आपके जब RBC उसमें होते हैं वो टूटते हैं, उससे हिस्टामिन नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है, या जो हिस्टामिन नाम का प्रोटीन होता है यही आपके जलन, खुजली और लाली पैदा करता है, जिसको और सूजन पैदा करता है, जिसको कि अर्टिकेरिया कहते हैं। तो इसमें आपको चाहिए कि आप अपनी एलर्जी को पहचानें, किस चीज़ से आपका बॉडी उससे विरुद्ध रिएक्ट कर रहा है और उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। इसके अलावा होम्योपैथी में इसके लिए सही करने के लिए बहुत कारगर दवाएं हैं। दवाएं बताने से पहले साथियों, हम आपको बता दें, यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि होम्योपैथी के जितने फ़ायदे हैं उतने कभी नुकसान भी हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं अर्टिकेरिया को क्योर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के सफ़र पर। साथियों, सबसे पहली और जो नंबर एक दवा है अर्टिकेरिया की होम्योपैथी में, वो है एपिस मेलिफिसिया। अगर आपको पित्ती उछलने की शिकायत है, अर्टिकेरिया की शिकायत है, तो आपके लिए एपिस मेल बहुत अच्छी दवा है। एपिस मेलिफिसिया बरैया का जो आपको काटती है बरैया, ठीक वही मैनिफेस्टेशन अर्टिकेरिया में होता है, इसलिए उसी से बनी दवा एपिस मेल है। अगर आपके अर्टिकेरिया पित्ती उछल रही हो शरीर में और उसमें बहुत जलन हो रही हो, बहुत लाली हो गई हो, बहुत स्टिंगिंग टाइप पेन हो रहा हो, जैसे बरैया के डंक से होता है, तो आपके लिए अर्टिकेरिया से अच्छी दवा नहीं हो सकती, या बहुत कारगर दवा है जो आपके अर्टिकेरिया को सही कर देगी। एपिस 30 पावर में, एपिस मेल 30 पावर में दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, यह निश्चित रूप से आपको आराम देगी अर्टिकेरिया में। फिर एक कंडीशन आती है साथियों कि आपके पित्ती उछल रही है और आपको रात रात भर बार बार प्यास लग रही है, हर 15 मिनट पे आपको पानी पीने को चाहिए, आपका गला बहुत सूख रहा है, और आपके जो व्हील्स हैं, जो इरप्शन के एरिया हैं, उसमें बहुत जलन हो रही है, पूरी स्किन में नहीं, पूरी स्किन में जलन हो रही है, तो दवा रेडियम ब्रोम है। लेकिन अगर उस व्हील्स के स्पेसिफिक पोर्शन में आपके जलन हो रही है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सनिक एल्बम। आप आर्सनिक एल्बम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। यदि आपके व्हील्स यानी इरप्शंस में बहुत जलन हो रही हो और आपको हर 15 मिनट पे प्यास लगती हो, आपका गला सूखता हो, उस कंडीशन में आर्सेनिक आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों
जब आपके कहीं पे आप स्क्रैच कर देते हैं, खुजला देते हैं और वहाँ पे अर्टिकेरिया हो जाता है। यह अर्टिकेरिया का बड़ा कॉमन मैनिफेस्टेशन है कि आपके कहीं पे खुजली मची, आपने उसको खुजलाया, खुजलाने के बाद लाल लाल बड़े ऐसे चकत्ते पड़ गए। अगर यह कंडीशन आप में हो, इस तरह के रेडिश इरप्शंस आपके बल्जेज आ जाएँ स्किन में, जिनको व्हील्स कहते हैं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कॉस्टिकम। आप कॉस्टिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें तो आपका यह जो डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया है, खुजलाने से अर्टिकेरिया है, स्किन को स्क्रैच करने से अर्टिकेरिया है, यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा और आप इस कष्ट से निकल आएंगे। फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि रात भर तकलीफ रही, रात भर पूरे शरीर में जलन होती रही, पित्ती उछलती रही और हम जागते रहे। तो अगर साथियों यह कंडीशन आपके होती है कि आपको रात भर जलन रहती हो, पित्ती उछलती हो और आप परेशान रहते हो, बिल्कुल आग ऐसी जलती महसूस होती हो, अगर यह कंडीशन आप में है तो इस कंडीशन में अर्टिकेरिया को ठीक करने की, पित्ती उछलने को ठीक करने की सबसे कारगर दवा है रेडियम ब्रोम। आप रेडियम ब्रोम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका पित्ती उछलना जो कि जलन के साथ हो रहा है, शरीर के अंदर जलन के साथ रात में हो रहा है, वह ठीक हो जाएगा और आप अपने को राहत महसूस करेंगे। फिर साथियों एक बहुत कॉमन कंडीशन आती है कि आप धूप में गए और आपका स्किन जलने लगी और पूरा लाल लाल चकत्ते आ गए। तो अगर आपके यह कंडीशन हो कि आपका अर्टिकेरिया धूप में जाने से होता है, तो उसकी होम्योपैथी में ठीक करने की 2 बहुत कारगर दवाएँ हैं। पहली दवा साथियों है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर 1 mg पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आप उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जो आपका अर्टिकेरिया है, पित्ती उछलना है, वह एक्सरसाइज करने से बढ़ता हो। यानी जब आप वर्जिश करते हो, एक्सरसाइज करते हो, एग्जर्शन आता हो और आप धूप में निकलते हो, उससे आपका अर्टिकेरिया बढ़ जाता हो, उस स्थिति में आप नेट्रम्यूर 30 पावर में या 1 mg पावर में 3 खुराक वीकली या 30 पावर में दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेट्रम्यूर के पेशेंट को नमकीन खाना बड़ा पसंद होता है, उसकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है, उसमें गुस्सा थोड़ा ज़्यादा होता है और दूसरे की बातें वो सहन नहीं कर सकता, और जब कोई उसको सांत्वना देता है तो उसको और एग्रावेशन होता है। तो अगर ये 4-5 सिम्टम आप में पाए जा रहे हैं और आपको अर्टिकेरिया है, तो उसकी होम्योपैथी में नेट्रम्यूर 1 mg से अच्छी दवा नहीं हो सकती। दूसरी दवा इसी श्रृंखला की साथियों है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार भी उस स्थिति में कारगर है जब आपको धूप में जाने से पित्ती उछलती हो, लाली आ जाती हो, स्टिंगिंग होती हो और पेन होता हो, उस स्थिति में आप ग्लोनाइन 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। एक और ख़ास बात है ग्लोनाइन 30 में कि आपके अर्टिकेरिया उछलने के साथ माइग्रेन भी होता है, तो यदि आपके आर्टिकेरिया उछलने के साथ माइग्रेन भी हो रहा हो तो आप ग्लोनाइन 30 इस्तेमाल करने से कतई परहेज ना करें, आप ग्लोनाइन 30 इस्तेमाल कर लें, आप ठीक हो जाएंगे। फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि बारिश के समय आपके तकलीफें बढ़ गई, पित्ती उछलने लगी रेनी सीजन में। तो अगर बारिश के वक्त आपके पित्ती उछल रही हो, डैम्पनेस से आपके पित्ती उछल रही हो, तो उसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है डलकम आरा। आप डलकम आरा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका जो ये रेनी सीजन में पित्ती उछलने का एक सिम्टम है या ख़त्म हो जाएगा और साथ ही में पित्ती उछलना भी ख़त्म हो जाएगा। तीसरी स्थिति साथियों आती है कि जब आपके अर्टिकेरिया हर मौसम में आता हो, हर सीजन में आता हो और आप उससे परेशान रहते हो और साथ में आपके लिवर कंप्लेंट्स भी एकम्पनी करती हो, तो साथियों अगर आपका अर्टिकेरिया हर मौसम में बार बार, मतलब विशेष मौसम में बार बार लौट के आता है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में कारगर दवा है अर्टिका यूरेंस। आप अर्टिका यूरेंस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके चुभन जलन वाला पित्ती उछल रहा हो, वो एक विशेष सीजन में यानी रिपीटेडली एक ही सीजन में आपको आता हो कि इस जाड़े आया, फिर अगले जाड़े आया, फिर अगले जाड़े आया, इस तरह का अगर मैनिफेस्टेशन हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में कारगर दवा अर्टिका यूरेंस है। आप अर्टिका यूरेंस 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप पाएंगे कि आपकी यह समस्या ख़त्म हो गई। दूसरी दवा साथियों इसी स्थिति की है एस्टेकस फ्लुवाइटिस। एस्टेकस फ्लुवाइटिस आप उसी स्थिति में ले सकते हैं
जब आपके अर्टिकेरिया आ रहा हो, पित्ती उछल रही हो और साथ में आपको जॉइंट्स पेन भी हो। जॉइंट्स पेन अगर आपको अर्टिकेरिया के साथ हो रहा है, रूमेटिक कंडीशन आपको हो रही है, तो उसके लिए दोनों ही दवा बहुत अच्छी हैं, अर्टिका यूरेंस और एस्टिकस फ्लेबाइटिस। लेकिन एस्टिकस फ्लेबाइटिस विशेष तौर पे इसी सिम्टम के लिए है, आपका यह सिम्टम यह दवा ठीक कर देगी। फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि अक्सर पेट खराब रहता है, उससे पित्ती उछल आती है। तो जिन मरीजों में पेट खराब रहता है और उनके पित्ती उछल रही है, उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एंटिमक्रूट। आप एंटिमक्रूट 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके पित्ती उछलने का कारण आप गैस्ट्रिक समझते हैं, आपके गैस चढ़ना, पेट खराब रहना, यह सब कारण आपके पित्ती उछलने अर्टिकेरिया के साथ हैं। उस स्थिति में आपकी बहुत कारगर दवा एंटीमक्रूट है। आप एंटीमक्रूट 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप लाभ पा जाएंगे। फिर साथियों कंडीशन आती है कि सर्दियों में तकलीफ बढ़ गई, कोल्ड, जहाँ भी आप कोल्ड इन्वायरमेंट में गए आपके अर्टिकेरिया होने लगा। हॉट की हम लोग बात कर चुके हैं, आपको दवा बता चुके हैं। आप कोल्ड इन्वायरमेंट में गए और आपको अर्टिकेरिया होने लगे, तो अगर ये कंडीशन आपके हो कि आप कोल्ड इन्वायरमेंट में गए हों, ठंडे में गए हों और आपके अर्टिकेरिया होने लगा हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। पहली दवा साथियों इस श्रृंखला की है रसटॉक्स। आप रसटॉक्स 1 mg पावर में दिन में 3 बार 2 बूंद ले सकते हैं जब आपके पित्ती उछली हो, अर्टिकेरिया हुआ हो और साथ में आपको गर्म में आराम मिलता हो, ठंडक में वहाँ तकलीफ पड़ रही हो और साथ में आपके जॉइंट्स पेन भी हो, तो अगर यह सिम्टम आप में है तो इसकी बहुत अच्छी दवा रसटॉक्स है। आप रसटॉक्स 1 mg की 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। दूसरी दवा इस कंडीशन की आती है सीपिया। सीपिया सक्कस 30 2 बूंद दिन में 3 बार। आप कोल्ड वेदर में आपका अर्टिकेरिया बढ़ना या कोल्ड एनवायरनमेंट में आपका अर्टिकेरिया बढ़ना इस सिम्टम के लिए उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपका आपको एक बार अर्टिकेरिया हो गया, उसके बाद वो जितनी देर आप कोल्ड में रहते हैं उतनी देर वो बढ़ रहा है, कोल्ड एप्लीकेशन और कोल्ड एनवायरनमेंट से वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आप उससे एक रुआसी स्थिति में पहुंच गए, आपका एक वीपिंग डिस्पोजिशन हो गई, आप रो देंगे, ऐसी स्थिति बन गई है। अगर वह सेंसेशन आप में दिखता हो तो उसके लिए सीपिया सबसे अच्छी दवा है। आप सीपिया 30 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि गर्म से आपका जहाँ हीट आग के पास गए, हमारे महिलाएँ घर की गैस के पास गई खाना बनाने में और उनके पित्ती उछलने लगी, तो अगर यह कंडीशन आपके हो कि आपके गैस के पास जाने से, रसोई गैस के पास जाने से या हीट का एक्सपोजर होने से आपका अर्टिकेरिया बढ़ने लगे, अगर यह स्थिति आप में हो तो इसको ठीक करने की 2 कारगर दवाएं हैं। पहली दवा साथियों है सल्फर और दूसरी दवा है एपिस मेलिफिसिया। सल्फर 1 mg पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके पित्ती उछल रही हो और वह गर्मी से और बढ़ रही हो और खुजलाने से उसमें आराम ना मिल रहा हो। यहीं पे दोनों में फर्क है। और इसके विपरीत दूसरी दवा इस कंडीशन की एपिस है, एपिस मेलिफिसिया 30 2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपके गर्मी के कारण पित्ती उछल रही हो और जब आप खुजलाते हो तो आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाता हो और जब आप उसकी ठंडे बर्फ या ठंडी चीज़ से सिकाई कर लेते हो तो आपको आराम मिल जाता हो, उस स्थिति में एपिस 30 बहुत कारगर दवा है। सल्फर के केस में आपको गर्म चीज़ के एप्लीकेशन से पित्ती और बढ़ती है और एपिस के इस्तेमाल से ठंडी चीज़ के एप्लीकेशन से आपको आराम मिलता है। फिर एक कंडीशन आती है, बहुत लोग हमारे क्लिनिक पर आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब पानी में भीग गए तो तकलीफ़ बढ़ गई। तो अगर पानी में भीगने से तकलीफ़ आपको बढ़ती है अर्टिकेरिया की, तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। जब आप वाटर के कांटेक्ट से आते हैं तो आपके पित्ती उछल आती है या नहाने से पित्ती उछल आती है, हाथ पांव भीगने से पित्ती उछल आती है, ये सारी कंडीशन से अगर आपके पित्ती उछलती है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बोविस्टा।
आप बोविस्टा 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। आप पाएंगे कि आपका जो वाटर को कारण होने वाला अर्टिकेरिया है यह ख़त्म हो गया और आप पूरी तरह स्वस्थ और ठीक हो गए। एक स्थिति साथियों आती कि गलती से आपने सिरके का इस्तेमाल कर लिया, कहीं शादी पार्टी में गए और उसे सिरका बहुत था खाने में और सिरके या विनेगर से आपको तकलीफ हो गई। अगर यह स्थिति साथियों होती है तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैम्फोरा। कैम्फोरा 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप किसी भी एसिड फ्रूट या फिर सिरके के इस्तेमाल के कारण एग्रावेशन हुई पित्ती में कर सकते हैं। कैम्फर 30 पावर में 2-2 बूंद ले लेंगे तो जो आपका अननोन रीज़न है पित्ती उछलने का, चाहे वो कोई भी हो, किसी कंपाउंड के कैम्फर 30 पावर में आपका उस स्थिति में बहुत कारगर है जब आपका किसी कंपाउंड के इंटेक से पित्ती उछलने की कैफियत है, पित्ती उछल रही होती है, उस स्थिति में कैम्फर आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। और किसी भी सिरका या किसी भी एसिड फूड इंटेक के साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करके आपको फौरन राहत कर देगी। ये साथियों को दवाएं थी अर्टिकेरिया के विषय में। दवाएं निश्चित रूप से बहुत कारगर हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि दवा के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 या फिर नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिखकर हमें पोस्ट कर सकते हैं। हमें उसका संतोषजनक उत्तर देने में आपको बहुत खुशी होगी। अगर साथियों आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाकर सबसे पहले नए से नया वीडियो पाते रहिए। आपका हमारा साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।